और सरकार किसी को शिक्षा मंत्री बनाती है तो इस उम्मीद के साथ कि लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को ये शिक्षा मंत्री पूरा करेंगी, लेकिन अगर शिक्षा मंत्री ये कहने लगे कि आम आदमी की हैसियत से बाहर है अच्छी शिक्षा, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि शायद आपके बस की बात नहीं आम लोगों को अच्छी शिक्षा देना। आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है, यही आम आदमी होंगे, इनके बच्चों को शानदार सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा मिलेगी, प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार शिक्षा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, आम आदमी पार्टी दे करके दिखाएगी। हमने दिल्ली में ये करके दिखाया और हमने पंजाब में भी ये करके दिखाया। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी नई नई घोषणाएं करने में व्यस्त हैं, जिनको पूरा करना इस टर्म में तो मुमकिन है नहीं चुनाव से पहले, इसलिए घोषणाएं करने में अपना कुछ नहीं जाता है। लेकिन जो लंबे समय से डॉक्टर्स की मांग है, जिसको लेके वो बार बार हड़ताल भी उन्होंने किए, अपने रिप्रेजेंटेशंस भी उन्होंने दिए और बार बार इस मुद्दे को उठाया है, प्रदेश के अस्पतालों में आधे से ज्यादा डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं। प्रदेश के अस्पतालों की इस वक्त ऐसी हालत है कि वहां पे इलाज कराने के लिए लोग नहीं जाते, बल्कि जो जाता है वो बीमार होके वहां से वापस आता है। ऐसी स्थिति में जिन डॉक्टर्स को इतना संघर्ष करना पड़ता है कि डबल वर्कलोड से भी ज्यादा उनको काम करना पड़ता है, अगर उनकी कोई वाजिब मांगे हैं जो कि वो बार बार सरकार के सामने रखते आए हैं, तो कम से कम इतना दिल तो होना चाहिए मुख्यमंत्री जी में कि डॉक्टर्स के सामने बैठ करके उनसे उनकी बातें सुन सके, उनकी मांगे सुन सके और उनको पूरा करने के लिए काम कर सके। ये वही डॉक्टर्स हैं जो पूरे प्रदेश के अंदर हेल्थ सिस्टम को संभाले हुए हैं सरकार के, चाहे जितना मर्जी बर्डन इनके ऊपर सरकार ने क्यों ना डाल दिया हो, लेकिन इनकी जायज मांगों को जब सुनने का वक्त आता है तो मुख्यमंत्री जी अपने किसी अधिकारी की तरफ इशारा करके निकल जाते हैं कि ये आपकी बात सुनेंगे, खुद मुख्यमंत्री इनको समय तक भी नहीं दे पा रहे। देखिए, मुझे लगता है कि जब हमने इस बात का खुलासा किया तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रही है प्रदेश सरकार, क्योंकि ये अब लोगों के सामने है कि ये जानबूझ के साजिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि पहले माहौल खराब किया जाए, जैसे हम फिल्मों में देखते थे कि खुद ही दंगे कराओ, फिर उनको कंट्रोल करने के नाम पे पुलिस फोर्स भेज के अत्याचार कराओ। यहां पर भी कुछ वैसी तस्वीर देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी खुली छूट पहले अपराधियों को देती है, युवाओं के हाथ में हथियार पहुंचे कैसे, हर जगह पर गोलीबारी हो कैसे रही है, जो पकड़े जा रहे हैं लोग उनके सरगना के बारे में पता क्यों नहीं चल पाता कि आखिर ये गैंग चल कहां से रहा है, फिरौती गैंग धीरे धीरे 7 डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे फैल गया, व्यापारियों को बिना किसी खौफ के फिरौती की मांग कैसे की जाती है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पा रही, जिससे यह स्पष्ट है कि ये जानबूझकर पहले अपराधियों को हौसला दिया जाता है, खुलेआम अपराध करने की छूट दी जाती है और फिर लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के नाम पर खुली छूट पुलिस को दी जाती है कि दमनकारी नीतियां चलाइए, जिसको चाहे गोली मारिए, जिस विरोधी को जो भी आवाज उठाए उसको जेल में डाल दीजिए और जनता को इस नाम पर समझाइए कि देखिए अपराध कम करना है तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन बहुत स्पष्ट बात यह है कि एनकाउंटर करने की नौबत तब आती है किसी भी सरकार में जब अपराधी इतने बेखौफ हो जाएं कि वो पुलिस के सामने तमंचे और बंदूक उठा के खड़े हो जाएं। पुलिस और व्यवस्था का काम है कि अपराधियों के मन में ऐसा खौफ बना रहे कि वो अपने हथियार उठाने से डरें और पुलिस को सीधी चुनौती देने से डरें। आज के दिन में वो खौफ अपराधियों के मन में हरियाणा के अंदर है नहीं और इस बर्बादी की कगार पर पहुंचाने की जिम्मेदार खुद भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, ये जनता तय करेगी। हमने जब हम पूरे प्रदेश के लोगों के बीच में जा रहे हैं और जब लोगों से संवाद स्थापित करने की बात कर रहे हैं, जिस कद के हमारे नेता हैं उसी कद के कार्यक्रम होंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। और हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को किस कदर पसंद कर रहे हैं इसका एहसास भी
आप लोगों को इन कार्यक्रमों के जरिए होगा, क्योंकि हम जो बदलाव जनसंवाद अभी हरियाणा के सभी 7,000 गांवों में करके हटे हैं, हमने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा के सभी गांवों में बदलाव जनसंवाद किया और अभूतपूर्व समर्थन लोगों का हमें मिल रहा है। मीडिया में क्या चलता है, क्या माहौल बनाया जा रहा है, किसका किससे मुकाबला है, आम आदमी पार्टी इन सारी राजनीति में नहीं पड़ती है। आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है और जमीन पर बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, इसीलिए उसके बाद ये एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। जब तक ये रैलियां अगले 15 दिन में निपटेंगी, तब तक हरियाणा का राजनीतिक माहौल भी बदल चुका होगा और आप लोगों का आम आदमी पार्टी के प्रति सोचने का नजरिया भी काफी हद तक बदल चुका होगा। देखिए, आपने यकीन कर लिया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि पहले खट्टर साहब को लेकर चले थे, चुनाव से ठीक पहले मौका पड़ते ही बदल दिया, तो ऐसा तो नहीं कि हालत खराब देख के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से कहे कि हमने सुपर स्ट्रोक लगा दिया, मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, फिर से तो नहीं बदल देंगे ये जो अभी घोषणा हुई है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पहले ये पूछिए कि 75 पार की घोषणा उन्होंने पिछली बार की थी, इस बार कितने पार की घोषणा कर रहे हैं, संख्या क्यों नहीं निकल रही उनके मन से, उनके मुंह से संख्या क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इस बार डबल डिजिट टच करना उनके लिए टेढ़ी खीर है। आम आदमी पार्टी का फेस आम आदमी है हरियाणा का, हम उनकी दिक्कतों को लेकर के, उनके मुद्दों को लेकर के इस चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। समय आने पर रणनीतिक तौर पर जो सही तरीका होगा, हम उसके बारे में आपको सही समय आने पर सही तरीके से सूचित करेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में 40 सीटें कांग्रेस, 44 बीजेपी की थी, अपने आप को फ्रेम में कहां देख रहे हो? कांग्रेस ने भी 60 का लक्ष्य रखा है, बीजेपी भी 60-65 के बीच में लक्ष्य रख रहे हैं, आप कहां देखते हो, कितना अश्योर है कि कितने परसेंट वोट जो है वो आएंगे, क्योंकि कांग्रेस मतलब अगर आप क्षेत्र की बात करें तो 5 सीटों पर आप लोग जीते थे और उससे पहले अगर लोकसभा की बात करें शायद। देखिए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मीडिया के कुछ साथी भी और कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी एक परसेप्शन बना के बैठे हैं और उससे बाहर सोचने को तैयार नहीं है। हरियाणा की जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। जैसा आपने कहा कि 46 सीटें कांग्रेस को मिली इस लोकसभा चुनाव में, अगर विधानसभा में कन्वर्ट करके देखें, नंबर सही नहीं है जनाब। 42 सीटें कांग्रेस ने, 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों में से किसी के पास नहीं है बहुमत का आंकड़ा। सारा जो राज है वो 4 सीटों में छिपा है जो आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो इसलिए इस बात से अब इनकार करना मुमकिन नहीं है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में तीसरा राजनीतिक विकल्प है। इस लोकसभा चुनाव ने यह स्थापित कर दिया है कि लोग आम आदमी पार्टी को पसंद भी करते हैं और बंपर वोट भी देना चाहते हैं। अगर सही मुद्दों पर सही तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे तो कुएं और खाई वाली थ्योरी में बीच का रास्ता पूरे हरियाणा के लोग तलाश रहे हैं और हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को स्वीकारने को तैयार हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं, जब तक ये 15 दिन का हमारा राजनीतिक कार्यक्रम खत्म होगा, तब तक बहुत से लोगों की, बहुत से राजनीतिक पंडितों की, बहुत से मीडिया की साथियों की परसेप्शन हरियाणा के राजनीतिक हालात के बारे में बदल चुकी होगी।